स्कूल एडमिशन ओपन, नर्सरी से क्लास 12। बालाघाट जिले का एकमात्र सबसे विश्वसनीय और कम फीस वाला स्कूल, जहां आप पाएंगे अपने बच्चों के लिए पूर्णतः अनुशासनात्मक वातावरण। इस सत्र से पूर्णतः ई लर्निंग क्लासेस, अवार्ड विनिंग लर्निंग किट्स बॉय एडुवेट, विशाल खेल परिसर, विशाल कॉन्फ्रेंस हॉल, रेगुलर योगा, मेडिटेशन एवं कराटे प्रशिक्षण, कंप्यूटर लैब, मैथ्स लैब, साइंस लैब, स्मार्ट क्लासेस, बाकी स्कूलों से कम फीस पर बस सुविधा भी उपलब्ध। सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन, आउटडोर पिकनिक, जब इतना सब कुछ है तो फिर सोच क्या रहे हैं। फौरन चले आइए, एडमिशन ओपन है। पता, अपोलो कॉन्वेंट हायर सेकेंडरी स्कूल, फ्रेंड्स कॉलोनी, वार्ड नंबर 4, बैहर रोड, बालाघाट। एजुकेशन इज नॉट प्रिपरेशन फॉर लाइफ, एजुकेशन इज लाइफ इटसेल्फ। एंड अपोलो इज सिनोनिम्स ऑफ एजुकेशन, अ मॉडर्न एटमॉस्फेयर विद ई लर्निंग क्लासेस बॉर्न साइमल्टेनियसली विद आवर इंडियन वैल्यूज। द अपोलो प्रोवाइड अस अ बैलेंस्ड एजुकेशन दैट हेल्प्स अवर स्टूडेंट इंप्रूविंग फिजिकली एंड मेंटली। गुड एजुकेशन इन वेरी गुड प्राइस। वी आर नॉट लेस देन एनी बिग स्कूल इन एनी बिग सिटी। वी लव अपोलो। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचायती राज न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। सड़क का भूमि पूजन मुख्यमंत्री कायाकल्प योजना के तहत किया गया। इस कार्यक्रम में नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती भारती ठाकुर और सभापति मानक बर्वे जी उपस्थित रहे। भारती ठाकुर ने कहा कि श्री गौरी शंकर बिसेन जी के प्रयास से नगर पालिका क्षेत्र की सड़कों का कायाकल्प किया जा रहा है। इस योजना के तहत 3 करोड़ के कार्य किए जाएंगे, जिससे शहर की सड़कों का कायाकल्प किया जाएगा। ठाकुर ने कहा कि आगामी समय में नगर पालिका क्षेत्र और भी विकास कार्य किए जाएंगे। इसी प्रकार श्री मानक बर्वे ने कहा कि हमारे वार्ड में जो सड़क बन रही है वो वार्ड वासियों के लिए हर्ष का विषय है। इस कार्यक्रम में संगीता खगेश कावरे, श्वेता जैन, भारती पारधी, बीना वर्मा, चुनीलाल ठाकुर, पवन शांडल्यकार, नरेंद्र चौरसिया, रमेश दीक्षित, दीपक महाजन, सुशील वर्मा, अनिता खरे और सभी गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। ऐसी ऐसी अच्छी योजनाओं के संचालन जो माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा किए जा रहे हैं, जैसे कायाकल्प योजना, उसके तहत पूरे शहर भर में ऐसी अनेकों रोडों को चिन्हित किया गया है जिनका जीर्ण उद्धार करना है। कहीं बेरिंग फोड है, कहीं सीसी वर्क है और कहीं डामरीकरण का कार्य है। तो ऐसे अच्छे कार्यों को हम माननीय मुख्यमंत्री जी के कायाकल्प योजना के अंतर्गत हमारे माननीय विधायक गौरी शंकर बिसेन जी के नेतृत्व में कर रहे हैं। इसके लिए जहां हमारे वार्ड पार्षद धन्यवाद के पात्र हैं, हमारा पूरा परिषद धन्यवाद का पात्र है और आप सबके सहयोग से ही हम इन सब कार्यों को सफलतापूर्वक संचालित कर पा रहे हैं। अभी इसके पूर्व में जैसे हमने देखा कि नावेल्टी हाउस रोड का जो जीर्णोद्धार हुआ, डामरीकरण हुआ, नावेल्टी हाउस से लेकर काली पतली चौक तक, उसके बाद महाराणा प्रताप चौक से लेकर और गणेश मंदिर तक डामरीकरण हुआ। कल जो हुआ है वो गायत्री मंदिर रोड का, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी का, जो प्रेम नगर वाली रोड का हुआ है कार्य, और आज इसी श्रृंखला में इस रोड का कार्य होगा। तो अभी इसका भूमि पूजन करके परसों कल से इसका कार्य प्रारंभ किया जाएगा। तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि जिस समय हमारा ये कार्य प्रगति पर रहे तो हम सब नागरिकों की सुविधा की दृष्टि से और इस कार्य की गुणवत्ता को देखते हुए हम इस बात का विशेष ध्यान रखें कि हमारा किसी भी प्रकार से कार्य प्रभावित ना हो। और आप सभी जो यहाँ के रहने वाले हैं वो इस चीज़ का कृपया कर इसमें अपना विशेष ध्यान दें, योगदान दें कि किसी भी प्रकार का यातायात कम से कम उतनी देर तो बाधित ना करे कार्य को, और यातायात को उतनी देर रोक के रखें जब तक ये कार्य पूरा समाप्त ना हो जाए। और मैं आप सभी को जानकारी के लिए बता देना चाहती हूँ कि पूरे शहर में ये विकास की श्रृंखला चालू रहेगी। लगभग 13 से 14 ऐसी रोडों को चिन्हित किया गया है जो कायाकल्प योजना में ली गई है। तो अभी डामरीकरण की ये शायद आखिरी है ना, हाँ ये चौथी रोड आखिरी रोड है, इसके बाद सारे सीसी रोड के काम होंगे, इसके बाद एक गोंदिया रोड की तरफ कहीं एक और बीटी रोड का काम है, बाकी सारी रोड अब सीमेंट कॉन्क्रीट बनेगी कायाकल्प योजना में। और ऐसे ही जो जीर्ण शीर्ण अवस्था में जो काफ़ी समय से लोग जिस समस्या से जूझ रहे हैं, वार्डों की बड़ी समस्या के रूप में उभर के सामने आई हैं जो रोडें, उन रोडों को चिन्हित करके उन पर कायाकल्प योजना के अंतर्गत काम किया जाएगा। और मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि आने वाले समय में भी माननीय गौरीशंकर बिसेन जी के नेतृत्व में, भारतीय जनता पार्टी परिवार के नेतृत्व में, हमारे संगठन के द्वारा हमेशा ऐसे विकास कायाकल्प
योजना के अंतर्गत भूमि पूजन का समारोह वार्ड नंबर 20 और 21 दोनों वार्ड के रोड का भूमि पूजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे नगर पालिका की अध्यक्ष भारती सूर्य सिंह ठाकुर, भारती पारदीप जी, वीणा वर्मा जी, श्वेता और हमारी दीदी अनिता खरे जी और खगेश सॉरी संगीता खगेश कांवरे जी हमारे बीच उपस्थित है और सभी हमारे वार्ड के गणमान्य नागरिक सभी लोग आज हमारे जो भूमि पूजन का कार्यक्रम में उपस्थित है। मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं, आप लोगों का धन्यवाद देता हूं कार्यक्रम में आए। और ये हमारी जो वार्ड की जो मांग थी कि राजघाट चौक से कृष्णा डेयरी तक जो बहुत ही जर्जर हालत थी इस रोड की, इसको बनाने के लिए हमारे भाऊ ने भी वादा किए थे, उस वादा को पूरा करने के साथ ही आज हमारे डामरीकरण का जो राजघाट से तरवी कलेक्शन तक के किया जा रहा है। इसके बाद सीमेंट्रीकरण का भी कार्यक्रम जो है तरवी कलेक्शन से कृष्णा नदी तक किया जाएगा और ये भी बहुत जल्दी ही किया जाएगा। और जो इसकी मांग थी रोड की वो पूरी एक अच्छे से बना करके ये दिया जाएगा। और आप लोगों को मैं एक और चीज याद दिलाना चाहता हूँ कि अपने वार्ड में जो नाला था यहाँ का राम मंदिर का, वो भी एक सुशील भैया और हमारी वीणा भाभी के वार्ड नंबर 20 में उसको भी बढ़िया बना करके हमारे अध्यक्ष ने और हमारे भाऊ ने जो भी किया, इसके लिए मैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ। और बस इतना ही मैं कहना चाहूँगा, धन्यवाद। ऐसी ऐसी अच्छी योजनाओं के संचालन जो माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा किए जा रहे हैं, जैसे कायाकल्प योजना, उसके तहत पूरे शहर भर में ऐसी अनेकों रोडों को चिन्हित किया गया है जिनका जीर्ण उद्धार करना है। कहीं बेरिंग कोड है, कहीं सीसी वर्क है और कहीं डामरीकरण का कार्य है। यदि खबर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। किसी भी प्रकार की खबर, भ्रष्टाचार घटना की जानकारी देनी हो तो नीचे लिखे नंबरों पर